दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अहमदाबाद में कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आप गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। आम गुजराती आज विकल्पहीन हो गया था, उसे लगता था कि विकल्प ही नहीं बचा गुजरात की राजनीति के अंदर। ये दोनों तो एक ही हैं, इनको वोट देना है, इनको वोट देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हैं ये दोनों। आज उनको एक सार्थक विकल्प मिला है। स्वागत है आपका। अब यीशु देवदान भाई ने जो बीड़ा उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज हम सब लोग मंदिर में बैठे हैं। इसी साल फरवरी महीने में सूरत महानगर पालिका चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पार्टी को विस्तार देने की कोशिश तेज हो गई है। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ की सियासत के बीच आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाना चाहती है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है, ऐसे कैसे चलेगा। केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में यहां की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरा भी यहां का होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने गुजरात में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है और बिजली, अस्पताल और स्कूल वाला अपना सियासी पासा फेंक कर लगे हाथ राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए। अब होंगे, अब बदलेगा गुजरात। यही नहीं, गुजरात के पूर्व पत्रकार ईसुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी में शामिल कर केजरीवाल ने सियासी दांव भी चलने की कोशिश की। ईसुदान गढ़वी किसानों की बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका, कहता सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। सो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यीशुदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहते अच्छा। वो कहता है यीशुदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यीशुदान जी, गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आपको हीरो के रूप में देखती है। इस बीच केजरीवाल के गुजरात दौरे के बीच ऐसी खबरें भी चर्चा में रहीं कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हार्दिक पटेल आप में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाद में हार्दिक पटेल ने सफाई दी, मैं ये सुनकर अचंभित हूँ कि मैं अगले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में जा रहा हूँ। ये खबर बिल्कुल गलत है, ये बीजेपी की चाल है। ऐसी खबरें बीजेपी की ओर से कांग्रेस समर्थकों, कार्यकर्ताओं और पाटीदार समाज में भ्रम फैलाने के मकसद से प्लान कराई गई है। गुजरात में 2022 के आखिरी दिनों में विधानसभा चुनाव होने, 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा पर बीजेपी का पिछले 20 सालों से कब्जा है। अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।